पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? मोदी है तो ये 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 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो अब देखिए अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए, एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स आर्मी नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले, एचएएल यह काम करती है, हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बांग्लादेश में गए, हाँ हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं, बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है ये हैं किसकी, ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं, और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए कि ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं, ये स्ट्रेटेजिक मामला है।